Hello everyone, welcome back to my class. So we are continuing with the chapter, that is chapter number 13, the Mauryan dynasty. In the previous video I have already taught you about the sources of information from we get the information about the Mauryan dynasty and who established Mauryan dynasty, about Chandragupta Maurya. अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया इसके बारे में पढ़ेंगे. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको, अगर जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है पहले वो उसको देखिए, तभी आपको आगे की वीडियो देखने में मजा आएगा. लास्ट वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले फाउंडर थे और उन्होंने 321 से 297 BCE तक शासन किया. इसके बाद आए बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और उन्होंने कब तक शासन किया, 297 BCE से 272 तक. बहुत ही ब्रेव किंग थे और ही प्रोटेक्टेड हिज एम्पायर एंड डेवलप रिलेशंस टू द ग्रीक. उन्होंने पूरे एम्पायर को बचा के रखा था जो कि उसको अपने पापा से मिला हुआ था, उसको अच्छी तरह से बचा के रखा था और उन्होंने ट्रेड रिलेशंस भी ग्रीक लोगों के साथ बनाए रखा. किसने? बिंदुसार ने. और उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 272 BCE में. इसके बाद 272 BCE के बाद उनका बेटा आता है अशोक. कब आता है? 272 BCE में. 272 BCE में वो संभालने तो रख गया था वो एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, लेकिन इसको राजगद्दी नहीं मिली थी. ये क्राउंड नहीं हुआ था, इसको राजगद्दी नहीं मिली थी, इसको सिंहासन नहीं मिला था. इसको कब मिला सिंहासन? 269 BCE में. और ही कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जाए, सबसे बड़े रूलर में से अशोक का माना जाता है. आप कहीं भी पढ़ोगे तो अशोक का वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही ब्रेव रूलर था. करीबन संपूर्ण भारत को ये जीत चुका था. इसके बाद इसने कलिंग का युद्ध लड़ा, जो मॉडर्न हमारे जो उड़ीसा है, पहले उसको कलिंग के नाम से जाना जाता था. इसने कलिंग का युद्ध जब लड़ा था और कंप्लीट ऑलमोस्ट होल इंडिया को यह जीत चुका था. कलिंग के युद्ध में जो बैटल ऑफ कलिंगा था, बैटल ऑफ कलिंगा अशोका के टाइम जब उसने कलिंग का युद्ध लड़ा उड़ीसा में, जब इसने अटैक किया, वो बहुत ही फायर्स बैटल था, बहुत भयानक लड़ाई हुई थी कलिंग में. और ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसने देखा कि बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो गया प्रॉपर्टी का भी और लोगों का भी, लोग बहुत मरे हैं. और उस बैटल में एक भयानक वार का इतना भयानक था कि उसको विडोज, जो विधवा थी, जिनके पति, जो सैनिक थे जिनके पति मर गए थे उस लड़ाई में, उनकी आवाज उसके कान में गूंज रही थी. चिल्ड्रंस रोते हुए नजर आए थे, बिलखते हुए नजर आए थे. उसने अशोका के माइंड पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला. इतना भयावह वो लड़ाई थी कलिंगा की लड़ाई, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में बार बार इसका नाम आता है, द बैटल ऑफ कलिंगा. और उसके बाद उसने ये प्रण ले लिया, मैं कभी आगे लड़ाई नहीं करूंगा. उसने लड़ाई ना लेने का प्रण लिया और कलिंगा के वार ने ही एक ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज माइंड, अशोका की जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव लाया. अभी मैंने आपको बता दिया कलिंगा वार कितना भयानक था और उसने अशोक की जिंदगी को किस तरह से बदल दिया. इतना भयानक कलिंगा वार था. अब आफ्टर द कलिंगा वार के बाद क्या हुआ? अशोक का माइंड बिल्कुल चेंज हो गया. उसने किसको अपना लिया, कौन से धर्म को अपना लिया? उसने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया. ये अडॉप्टेड बुद्धिज्म. और उसने जितनी भी उसकी जिंदगी, बाकी की जिंदगी बची हुई थी, वो लाइफ स्पेंड हिज रेस्ट लाइफ इन प्रोपोगेटिंग एंड प्रीचिंग, उसको फैलाने को, बुद्धिज्म धर्म को फैलाने में वो उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी. और अदर कंट्रीज, खाली इंडिया में ही नहीं फैलाई, उसने विदेशों में भी बुद्धिज्म धर्म को फैलाया. इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कलिंगा वार का उसके दिमाग में. इवन उसने अपने सन्स और ग्रैंड सन्स को भी यही एडवाइस दिया, नॉट टू कॉन्कर न्यू कंट्रीज. कभी भी कोई न्यू कंट्री को मत जीतो, अगर जीतना ही है तो लोगों के दिलों को जीतो, कंट्री को नहीं. उसने अपने सन्स और ग्रैंड सन्स को भी यही एडवाइस दिया था. इसीलिए उसने कहा था गो फॉर धर्म विजय. इसने कहा था अगर विजय करनी है तो धर्म की विजय करो. और कौन सा धर्म फैलाया था? बुद्धिज्म धर्म. पूरे वर्ल्ड में अशोक ने फैलाया था. और उसने
लोगों के दिलों को जीतना शुरू कर दिया, कंट्री को जीतना उसने छोड़ दिया। उसने तो छोड़ ही दिया और उसके सन्स और ग्रैंडसन्स को भी उसने मना कर दिया। अशोका जो टीचिंग्स थे, अशोका ने जो भी टीचिंग्स थे वो रॉक एडिक्ट्स पे या पिलर एडिक्ट्स पे एनग्रेव थे। उसने क्या था, उसने जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स में जो एनग्रेविंग्स में उनकी टीचिंग लिखी हुई थी, देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हो लेकिन आप इसको पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई थी। उसमें खरोस्ती में, कौन सी भाषा में लिखी हुई थी, खरोस्ती, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक, इन भाषाओं में वो लिखा करते थे। किसमें लिखा था उन्होंने, खुदाई करके लिखवाया था रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर। इसके बाद आता है मेन फीचर ऑफ अशोका धम्मा, अशोका का जो धर्म है उसके मेन फीचर्स क्या थे। ये सारे को है आपके क्वेश्चन आंसर में लेकिन आप अपने मन से कर सकते हो। अशोका जो धम्मा था उनके जो मेन फीचर्स थे वो मॉरल वैल्यूज ही थे। क्या, जैसे एवरीबॉडी शुड लव पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को लव करना चाहिए, जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सबको भी लव करना चाहिए, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, बड़ों की रेस्पेक्ट करो, ये तो मॉरल वैल्यूज है, ये हम छोटे से पढ़ाते आते हैं। तो सेम मॉरल वैल्यूज उसने बताया था, ब्राह्मिन्स, टीचर, मॉन्क जो सन्यासी हैं उनकी रेस्पेक्ट करो, फॉलो नॉन वायलेंस, अहिंसा का पथ अपनाओ, हिंसा मत करो, हैव टॉलरेंस एंड पीस, अपने अंदर सहन शक्ति रखो और शांति बनाए रखो। सब नॉर्मल सी चीजें हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं अशोका धम्मा के बारे में। सबको अवॉइड एरोगेंस, एरोगेंस अवॉइड करना चाहिए, एरोगेंस मतलब गर्व नहीं होना चाहिए, किसी पे एकदम एरोगेंट होके नहीं बोलना चाहिए। दुश्मनी मत पालो, एनिमल्स की सैक्रिफाइस को अवॉइड करो, तो क्या क्या चीज स्टॉप करो, कौन कौन सी चीज मत करो, एरोगेंस मत बनो, एरोगेंट मत बनो, दुश्मनी मत पालो और एनिमल्स को मत मारो। और फाइटिंग फॉर रिलीजन एंड लैंड, जमीन के लिए या किसी धर्म को लेकर कभी भी लड़ाई मत करो। तो ये सारी चीजें तो उसने अवॉइड करने के लिए करी। ही वांटेड पीपल शुड बी लिव इन हार्मनी, वो चाहता था कि उसके राज्य में सारे लोग शांति पूर्वक रहे एंड रेस्पेक्टेड, आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें एंड पेट्रोनाइज टू ऑल द रिलीजियंस, सारे रिलीजियंस को देशभक्त की भावना से देखा जाए। तो ये क्या था, अशोका कलिंगा वार जो इतना फायर्स बैटल था उसमें क्या हुआ, कलिंगा वार के बाद क्या हुआ, उसके माइंड में क्या इफेक्ट पड़ा और अशोका के धम्मा में क्या क्या लिखा। मैंने आपको बता दिया कि कलिंगा वार कितना भयानक वार था। कलिंगा वार के बाद अशोका की जिंदगी में किस तरह बदलाव आया, आफ्टर द कलिंगा वार क्या हुआ और अशोका धम्मा जो उसने मॉरल वैल्यूज लिखी थी उसमें क्या क्या था। अब अशोका ने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए क्या क्या भलाई का काम किया। अशोका अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखता था, ऐसे देखता था जैसे वो फादर हो और प्रजा उसके खुद के संतान हो, इस तरह से वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा के लिए ट्रीज लगवाए, रोड्स के दोनों साइड ट्रीज लगवाए, कुएं भी खुदवाए ताकि पानी की कमी ना हो, हॉस्पिटल्स ना सिर्फ अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए बनाया, इवन एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स बनाए और अनाथालय भी बनवाया और ओल्ड एज होम भी बनवाया, अनाथालय और फेंज होम और ओल्ड एज होम भी बनवाए। ये अशोका ने लोगों की भलाई के लिए किया था। इवन उन्होंने एक नया एक अपॉइंट किया था, एक पोस्ट अपॉइंट किया था, वो था धम्मा महामाता, एक नया पोस्ट था जिसका ये काम था कि जो अशोका की टीचिंग्स है, जो मॉरल वैल्यूज है वो लोगों तक पहुंचाए। तो अशोका कितना लोकप्रिय शासक था उस टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम प्रशासन के बारे में चलते हैं कि प्रशासन उस टाइम का प्रशासन कैसा था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था पूरा का पूरा चाणक्य की देखरेख में, कौटिल्य की देखरेख में चलता था। कौटिल्य पूरा जो प्रशासन था वो कौटिल्य की देखरेख में चलता था। उसमें जो किंग, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी सुप्रीम पावर राजा के पास थी, चाहे वो कोई न्याय लेता हो तो भी राजा का न्याय ही लास्ट माना जाता था।
और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल प्रशासन था वो भी राजा के पास था, यानी द सुप्रीम पावर वॉज इन द हैंड ऑफ किंग, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशियरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पास मिनिस्टर्स की एक काउंसिल थी जो उसको एडवाइस और असिस्ट करती थी, जो उसको उपदेश देती थी या कहां पे सुधार करना है ये सारी चीजें बताती थी। लेकिन राजा के पास सुप्रीम पावर थी, वो उनके एडवाइस को सुनता तो जरूर था लेकिन जो उसे उचित समझता था वही वो अपने देश के लिए लागू करता था। उसके इवन मिनिस्टर्स उनकी काबिलियत के अनुसार चुने जाते थे, वो जो मिनिस्टर्स चुनता था वो उसकी काबिलियत के अनुसार चुनता था। और बॉडीगार्ड्स, उसकी जो बॉडीगार्ड्स होती थी वो लेडीज हुआ करती थी। बॉडी तो मैंने आपको पहले ही बताया उसकी बॉडीगार्ड्स लेडीज हुआ करती थी और मिनिस्टर्स को ऐसे नहीं रखता था, उसकी मेरिट के हिसाब से वो चुना करता था। उसके जो ऑफिशियल्स थे और मिनिस्टर्स थे वो थे अमात्य, महामाता, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये भी इसकी सभा में बैठा करते थे। उसके पास बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पॉइनेंस सिस्टम था। एस्पॉइनेंस यानी गुप्तचर, उसने अपने शासन में बहुत ही एफिशिएंट गुप्तचर लगा रखे थे जो राजा को सारी गुप्त खबर दिया करता था। और जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड। राजा हेड था उसका लेकिन पूरे किंगडम को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए वो उसने स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर रखा था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रशासन बहुत अच्छी तरह से चल सके। जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शहर को चलाने के लिए कौन थे, नगर अध्यक्ष था, उसको नागरिक भी कहा गया है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था, नगर अध्यक्ष या नागरिक, दोनों में से एक लिख सकते हो, ये आपके फिलिप्स में भी है। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नगर अध्यक्ष चलाता था और उस नगर अध्यक्ष के पास 30 मेंबर्स थे और 30 मेंबर्स उसने 6 बोर्ड बना के रखे थे, ऐसे 6 उसने अलग अलग बोर्ड बना के रखे थे और उसमें 5 मेंबर्स हर एक बोर्ड में था जो उस नगर अध्यक्ष को हेल्प करता था। 5 मेंबर्स हर बोर्ड में था जो किसको हेल्प करता था, उस नगर अध्यक्ष को हेल्प करता था। ये तो आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। उसका जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गांव का प्रशासन था, वो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स संभालते थे। उनका काम क्या था, उनका काम था लोगों की रिकॉर्ड रखना, कितने लोग हैं विलेज में, टैक्स को कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करते थे, कर वसूल करते थे, कानून को मेंटेन किया करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे गांव में। लेकिन इन सबका हेड कौन था, राजा हुआ करता था। लेकिन उसने पूरे एम्पायर को स्मॉलर यूनिट्स में इसी तरह से कि जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नगर अध्यक्ष के पास और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के ग्रुप के पास, इस तरह से उसने पूरे जो किंगडम को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में बांट रखा था ताकि प्रशासन बहुत अच्छी तरह से चल सके। और ये पूरा प्रशासन आपके चाणक्य की देखरेख में चलता था। तो बेटा होप यू अंडरस्टैंड अप टू एडमिनिस्ट्रेशन, नो मोर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।